इंदौर पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी की शिकायत पर राजस्थान के दो व्यापारियों के खिलाफ ऑनलाइन ठगी के मामले में केस दर्ज किया है। दोनों ने पुरानी कारों के स्क्रैप देने के लिए लाखों रुपए की डील की थी, लेकिन रुपए लेने के बाद उन्होंने स्क्रैप नहीं भेजा। मामले में दो साल तक परेशान होने के बाद इंदौर के व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है। जांच पर पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है। टीआई पंकज द्विवेदी के मुताबिक विपिन कुमार निषाद निवासी क्लर्क कॉलोनी ऑनलाइन इलेक्ट्रिक और अन्य स्क्रैप खरीदने का काम करते हैं। उनसे अक्टूबर 2020 में दो व्यापारियों विजय पुत्र लक्ष्मण कोठारी और नितिन पुत्र लक्ष्मण कोठारी निवासी जाटियों का वास बलोतरा ग्रामीण बाड़मेर राजस्थान ने संपर्क किया। दोनों ने बताया कि वह भी ऑनलाइन बिजनेस डील करते हैं, जिसमें उन्होंने मारुति सुजुकी कंपनी की 40 स्क्रैप कारें देने की बात की। सौदा 85 लाख रुपये में तय किया गया था।